हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो टुडे आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द एलटीआई माइंडट्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनबोर्डिंग एंड देयर वाज अनदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डोमेन चेंज। सो गाइस, की डोमेन चेंज क्यों हो रहा है, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फुल इन्फॉर्मेशन है। और जो कि नया इग्नाइट बैच की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। तो तीनों इन्फॉर्मेशन है गाइस इस वीडियो में, आप लोगों को अच्छे से पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना, और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो 2023-24 के जो कि एलटीआई माइंडट्री भी आपने रिसेंटली में देखा होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो कि उनके पास में इस टाइप का इग्नाइट का प्रोग्राम का अपडेट आया हुआ है कि जो कि स्टार्टिंग से सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनका पूरा फ्रेमवर्क है 2023-24 के जो कि फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कि इग्नाइट के बैच का जो भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन है पूरी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो ये आपका 25th को आप लोगों के पास में, काफ़ी लोगों के पास में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चैनलों पे देखा होगा, बहुत सारे मतलब अपडेट देखा होगा कि इग्नाइट के मतलब स्टार्ट हो चुका है जो कि प्रोग्राम है। तो इसमें ड्यूरेशन है week 1, week 2, 3, 6, 7 week तक का इसमें ड्यूरेशन दिया गया है। सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग है, BILT ILT है, असेसमेंट बाय द वेंडर पार्टनर्स, LTI माइंडट्री इग्नाइट प्रोग्राम, ठीक है। सिलेबस क्या है, फाउंडेशन सिलेबस, कोर सिलेबस है, और आपका माइलस्टोन असेसमेंट है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, MS1 MS2 3 4, और जो भी चीज़ है आप लोग का MCQ क्विज होगा, कोडिंग असाइनमेंट हो गए, माइलस्टोन असेसमेंट टाइप होगा। एग्जिट क्राइटेरिया, कैंपस हायर विल बी द स्टॉप फॉर प्रोसीडिंग विद द करेंट वन बैच इफ दे आर नॉट क्लियरिंग देयर टेस्ट ऑफ द एनी माइलस्टोन असेसमेंट, मिसिंग द माइलस्टोन असेसमेंट ऑल टुगेदर, ये भी चीज़ है। SEM कनेक्टेड ट्वाइस अ वीक होगा, पासिंग क्राइटेरिया 60% ईच माइलस्टोन गाइस। आप लोगों को वैसे ही इन्फॉर्मेशन पता होगी, 60% हर एक माइलस्टोन में आप लोगों को कवर करना है। अगर आप लोग माइलस्टोन कवर नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को रिजेक्शन मेल्स हो जाएंगे। प्रोग्राम इंसेंटिव्स क्या है, लर्निंग कंप्लीटेड विद 80% अबव द फर्स्ट अटैम्प्ट इन द 3 milestone विल क्वालिफाई फॉर द 20K इंसेंटिव, 20K इंसेंटिव भी मिलेगा आपको। लर्निंग कंप्लीटेड विद स्कोर 80, यहाँ पर मेंशन दिया गया है कि मतलब हमारा 50-60% इन 3 milestone विल क्वालिफाई फॉर द 10K इंसेंटिव, एंड लर्निंग स्कोर एट द 60% इन बिलो माइलस्टोन असेसमेंट इट कंसीडर बी अनसक्सेसफुल लर्निंग। तो गाइस आप लोगों को 3 criteria दिया गया है यहाँ पर प्रोग्राम इंसेंटिव का, कि आप लोग अगर आप लोग 80% से प्लस करेंगे तो आप लोग को इतना इंसेंटिव मिलेगा, उतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब आज गाइस बात करते हैं, काफ़ी लोगों के पास में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे सा एक मेल आया होगा, वहाँ पे एक थंबनेल टाइप का दिया होगा कि वहाँ पे माइलस्टोन हमारा जो कि इग्नाइट की हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोगों 25 अगस्त को आया होगा इग्नाइट का स्टेट लॉन्च, और इग्नाइट प्रोग्राम की लॉन्च डेट आई होगी वहाँ पर, कि मैंशन हुआ होगा कि आप लोगों का लॉन्च डेट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस की, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, जो भी कैंडिडेट थे उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई थी, डिले थी ऑनबोर्डिंग, उनके पास कुछ अजीब तरीके से मेल आ रहे हैं कि मतलब, या फिर जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है उन्होंने जावा के लिए अप्लाई किया था, जावा की ज्वाइनिंग थी तो उनको ऑटोमेशन का टाइम दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आई होगी जिन्होंने जावा का था, उसमें डेटा में आपकी ज्वाइनिंग है जो स्विच कर दी होगी, जो मतलब जो कि जो प्रोफाइल होगी, क्योंकि गाइस कंपनी के पास बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर आ रही है तो अगर आपके पास जो प्रोफाइल है उसको गाइस वो अपने अकॉर्डिंग ही स्विच कर जिस डोमेन में गाइस आपको मिला होगा, जैसे कि पहले आपको .NET में मिला होगा तो वहाँ पर ऑटोमेशन में चेंज कर देंगे, अगर आप लोगों का .NET नहीं था, जावा में होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी प्रोफाइल है तो गाइस ज्वाइनिंग तो वो देंगे, पर आप लोग गाइस वहाँ पर देख लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ये आई हुई है कि जो .NET के थे उनको ऑटोमेशन दे दिया, जावा के थे उनको दूसरा दे दिया, तो जो कि उनके अभी रिसेंटली में उनके पास डेटा एनालिस्ट मतलब डेटा जो कि डेटा टेक्निकल एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट डेटा के रिकॉर्डिंग ही उनके पास रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही डोमेन वो चेंज कर रहे हैं। डोमेन चेंज करने के बाद गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग भी उसी डोमेन की दी जाएगी, पहले आप लोगों को देखा जाएगा कि जावा से है ट्रेनिंग है तो आप लोगों को .NET से थी ऑटोमेशन का दे दी जाएगी, उसी की ट्रेनिंग मिलेगी आप लोग। जैसे कंपनी की तरफ को प्रोजेक्ट आया कोई, जैसे कि उनके पास डेटा के अभी प्रोजेक्ट रिसेंटली में लास्ट 15 days ago से उनके पास डेटा के प्रोजेक्ट ज़्यादा है, मतलब पता किया था जो कंपनी के थ्रू थे, बहुत सारे एम्प्लॉय थे लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो जो कंपनी के पास डेटा का जो डोमेन था जिसके पास अलग डोमेन थे उनके पास प्रोजेक्ट डेटा के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए उनको उनकी प्रोफाइल को स्विच कर दिया जा रहा है, चेंज हो रही प्रोफाइल जावा से उनको डेटा में डाला जा रहा है, डेटा ऑटोमेशन में डाला जा रहा है, .NET के थे जितने भी उनको भी डेटा ऑटोमेशन में डाला जा रहा है, तो बहुत सारी डोमेन है जो कि चेंज हो रहे हैं रिसेंटली में, आप लोगों ने देखा होगा भी, आप लोगों की ट्रेनिंग भी उसी डोमेन की जाएगी। तो गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन का रिगार्डिंग आप लोगों के पास ऐसी आती है तो आप लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और भी कोई भी क्वेरी चाहिए होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जवान जय किसान।